आकर तुम शपथ लोगे तो तुम सनातनी नहीं हो। राजपूत का खून ये धरती पे बहा है, तुम्हारा पिता दबा और राजपूत का कर्ण उठाकर राजस्थान की सरकार बदलते ही करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोगामेड़ी को मौत के घाट उतारने वाले दो आरोपियों के नाम सामने आए हैं। पहला आरोपी जयपुर का रोहित राठौड़ और दूसरा आरोपी हरियाणा का नितिन फौजी बताया जा रहा है। मामला गर्म है, पूरे प्रदेश में राजपूतों ने तांडव मचा रखा है। गोगामेड़ी की मौत के बाद अब उनसे जुड़े कई राज भी सामने आ रहे हैं। सुखदेव सिंह की हत्या किस वजह से हुई, क्या जमीनी रंजिश थी या फिर कोई आपसी दुश्मनी, जांच जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अब राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एनआईए की टीम भी इस हत्याकांड की जांच कर सकती है। लेकिन गोगामेड़ी की मौत के बाद अब सोशल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज चैनल्स पर उनकी तीन पत्नियों वाली कहानी की भी खूब चर्चा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पहली पत्नी का नाम शकुंतला है, जो कि हरियाणा में होमगार्ड थी। टर्मिनेट होने के बाद से ही वो गोगामेड़ी के साथ ही रह रही थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दूसरी पत्नी का नाम शीला शेखावत है, जो हनुमानगढ़ के भादरा में रहती थी। हाल ही में शीला ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय नामांकन भरा था, जिसे बाद में वापस ले लिया था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की तीसरी पत्नी का नाम सपना उर्फ सोनी था, जो कि गोगामेड़ी के साथ जयपुर में ही लिव इन में रहती थी। ऐसी चर्चा है कि सपना के साथ गोगामेड़ी की तीसरी पत्नी का विवाद भी होता रहता था। अब जब गोगामेड़ी इस दुनिया में नहीं है, तब उनसे जुड़ी कई बातें लोगों के सामने आ रही हैं। फिलहाल पूरे प्रदेश में राजपूत समाज सड़क पर है, हर ओर उग्र आंदोलन देखने को मिल रहा है और प्रशासन इस भड़की हुई आग को बुझाने में नाकाम दिख रहा है। हनुमानगढ़ से गुलाम नबी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।